हूँ। मेरा नाम सतविंदर सिंह है और मैं RNTCP की यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, TB एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का। सर क्या मजबूरी रही कि आप यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं? मजबूरी क्या कहें सर, 21वां साल हमें चल रहा है हमारे कर्मचारियों को। 1996 का हमारा डोर्स का सबसे पुराना कर्मचारी है। जब हमने नौकरी शुरू की थी उस टाइम हमें मिला करता था रेगुलर एम्प्लॉई से 200 रुपये ज़्यादा। उस टाइम हमारे जो है 4000 सैलरी जो थी हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की थी और 3800 रुपये जो सैलरी थी वो रेगुलर एम्प्लॉय की थी, तो उनसे 200 रुपये ज़्यादा ले रहे थे। समय बीतता गया और इनकी मनमानी होती है, बिल्कुल मनमानी होती है। मैं अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमने जब शुरू किया था इन्होंने दलित तपेदिक उन्मूलन समिति करके प्रोग्राम बनाया हुआ था जिसके अंडर हमें दिया जा रहा था, हमें नौकरी पर रखा जा रहा था। बाद में इन्होंने क्या किया, वो MCD ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो प्रोजेक्ट इन्होंने MCD से दिल्ली सरकार ने ले लिया। 2013 में NHM में डाल दिया गया। इनका जो मन करता जैसे मर्जी करते हैं, एक टोकरी से दूसरी टोकरी में उठा के डाल देते हैं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है इन लोगों के लिए। सर जो वहाँ जो और आपके साथ में बैठे हैं उनमें और आप में क्या अंतर है, डिफरेंस जो वहाँ? सर बस इतना डिफरेंस है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा अंतर और है कि हाँ वो कम काम कर रहे हैं, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर कोई छुट्टी करेगा तो उनकी जगह हम ड्यूटी करेंगे, हम छुट्टी करेंगे तो हमें छुट्टी लेने में भी लाले पड़ जाएंगे, ठीक है ना। हम देखा जाए तो 2002 से हमारे लोग इस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं। समय बदलता गया, लोग बदलते गए, मैं 2014 से मैंने शुरू किया इसमें और कौन सा दरवाज़ा जो हमने खटखटाया नहीं है। हम हर जगह गए हैं, चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई क्या नाम है अधिकारी हो, कोई जगह हमने छोड़ी नहीं है। हर जगह हम गए, हर जगह हमने पत्राचार किया है, हमने जाके बातचीत की है, मीटिंग्स की हैं, जो तरीका हमें समझ में आया हमने किया है। हमने दूसरा एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाई थी, हमने इनकी रिपोर्ट्स वगैरह सारी रोक दी थी, तो सारे काम हम करके देख चुके हैं। तो जनवरी में हमने स्ट्राइक की, तो जनवरी में इनको, क्योंकि इनसे हम ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी से, इन्होंने चुनाव जब लड़ा था तो इन्होंने बोला था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज हैं हम रेगुलर करेंगे। रेगुलर तो बहुत दूर की बात है, हमने इनसे कहा चलो ठीक है रेगुलर में जो चीज़ है अड़ंगे हैं, जो कुछ भी बोला गया कि अड़ंगे हैं बहुत दिक्कतें हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें जब तक आप इंटरिम के रूप में इक्वल पे दे दीजिए। लेकिन नहीं, इन्होंने हमें इक्वल पे भी नहीं दिया और हमें धक्के खाते 3 साल हो चुके हैं। हमने पहले इनसे जितना लेटर पत्राचार किया उसके बाद हम स्ट्राइक पे बैठे जनवरी में 9 तारीख को हम स्ट्राइक पे बैठे। 12 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बीच में आते हैं और बोलते हैं कि हाँ जी ठीक है हम आपको सेम वक्त सेम पे देंगे। और सेम वक्त सेम पे देने वाली दिल्ली सरकार पूरे भारत में पहली सरकार होगी। ये बातें मैं जो कह रहा हूँ ये मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करके डिस्कस करके उनकी परमिशन से बोल रहा हूँ। 31 मार्च 2017 से पहले आपको ये मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो 1 अप्रैल को आके आप हमें यहाँ के पकड़ लेना, हमारी गर्दन पकड़ लेना, आप यहीं आके स्ट्राइक करना। लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता की भलाई को देखते हुए, क्योंकि मैं नहीं जानता सरकार को कितनी चिंता है, क्योंकि चिंता होती तो आज 26 दिन से हम यहाँ बैठे नहीं होते, ठीक है ना। तो इतने दिन से हम सरकार के, एक मिनट तार टूट गया, क्या बोल रहा था। हाँ सतविंदर जी, नहीं बीच में बात कट गई, बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा था मैं। जो आज स्वास्थ्य मंत्री हैं वो एक आर्किटेक्ट इंजीनियर है, अगर किसी इंजीनियर को कह दिया जाए कि आप इस पेशेंट के इंजेक्शन लगा दो और उस डॉक्टर को कह दिया जाए एक बिल्डिंग का नक्शा बना दिया जाए, तो ये मतलब ये संभव हो सकता है? सर इस बारे में तो मैं क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि देश जब से आज़ाद हुआ ना जाने कैसे कैसे लोगों ने राजनीति की है। सर आपने ये बोला हाँ, कि हमें आश्वासन दिया गया कि हमारी गर्दन पकड़ लेना, तो ये काम किसका रह जाता है? सर काम किसका रह जाता है, उन्होंने हमसे वादा किया हम तो उनसे जाके मांगेंगे। हम ये है कि हमने अप्रैल में आके मांगा, हमने फिर भी मरीजों के दिल्ली के जो लोग हैं उनकी कष्टों को ध्यान में रखते हो, परेशानी को ध्यान में रखते हो कि अगर हम स्ट्राइक पे चले गए तो ना जाने लोगों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ेगी, इनको नहीं जानता मैं। लेकिन हमारा एक बॉन्ड बन जाता है मरीज के साथ, मैं डोर से हूँ, 1-6 महीने 1-2 साल हमें दवाइयाँ खिलानी पड़ती हैं और 2 साल दवाई खिलाने में हमारा मरीज़ के साथ बॉन्डिंग हो जाती है। हमें दुख होता है कि हम अगर उसके एक ही दिन का डोज भी मिस होता, किसी पेशेंट की डेथ होती तो हमें दुख होता है। तो हम इतना हार्टेडली इतना फील कर रहे थे कि स्ट्राइक पे जाने से पहले हम पे बहुत जोर पड़ा, लेकिन हमें अफसोस जरूर हुआ कि इन 26 दिनों में ना तो किसी नेता को सुधाई है। LG के पास हमारी 2 हफ्ते तक फाइल पड़ी रही, वहाँ जाकर हम सर पटक रहे हैं माथा पटक रहे हैं, मिलना तक नहीं हो पा रहा, वहाँ से हमें 2 शब्द बोल के बाहर से बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो फिक्र नहीं दिखाई देती, 3000 लोग यहाँ बैठे उनकी फिक्र ही नहीं है, जो लाखों की जनता की दिल्ली में है जिनको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, किस बेचारे की डेथ भी हो गई हमें क्या पता, डाटा अवेलेबल होगा तो हो गई, नहीं अवेलेबल होगा तो नहीं हुई। तो जो दिल्ली के मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है उस चीज़ को लेके सरकार, चाहे सरकार हो चाहे ये तुम्हारे अधिकारीगण हो और चाहे मैं तो LG ऑफिस को भी कहूँगा, कोई भी हमें फिक्रमंद नज़र नहीं आया। तो बहुत दुख हुआ, बहुत हर्ट हुए हम इस चीज़ से। सर एकदम सरकार कहती है कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे,
नौकरी देने की बात तो बात की नहीं, आप लोग यहाँ स्टैक में बैठे हैं तो इसका कैसे माने कि पता नहीं इसमें तो मैं सरकार के बारे में क्या कहूँ। खैर आप जब आपने बात हमसे बोली है तो जो सरकार हमें 20 साल से 21 साल से बैठे हुए आदमी के साथ ये हाल कर रही है, पता नहीं आगे एक नौकरी कैसी देगी और किस प्रकार की देगी मैं नहीं समझ सकता। कैसी नौकरियाँ दी जाएंगी और किस तरीके से जैसे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक 20-22 साल का लड़का जो लगे हैं 20-22 साल की उम्र में यहाँ लगे, कोई लड़का चाहे लड़कियों कोई भी लगे, लड़कपन में लगे, आज सब अधेड़ अवस्था की तरफ जा रहे हैं। जिंदगी का जो गोल्डन पीरियड हमने यूं ही बर्बाद कर दिया सिर्फ धक्के खाते हुए और आज भी हम धक्के खा रहे हैं। सर ये लोन का एक केंद्र सरकार का एक स्कीम है कि सर आने वाले इसमें हमें से खत्म कर देंगे अगर सर ये है ना, आधी खुराक देके अपनी सेना को भेजेंगे और उससे खत्म कराएंगे, खुराक नहीं देंगे और खत्म करा देंगे, ठीक है ना। अभी जैसे बॉर्डर पे सेना लड़ रही है हमारी, राजे महाराजे भी लड़ते थे, उन्हें कहो जी तुम्हें सिर्फ एक टाइम रोटी मिलेगी और तुम्हें लड़ना और सेना जीत के आनी है, वो काम हमारे साथ हो रहा है। 2025 तक हम खत्म करेंगे, हम अपनी पूरी जान लगा रहे हैं लेकिन लगा रहे हैं हम आधे पेट, क्योंकि एक तिहाई एक चौथाई वेतन पा रहे हैं हम अपने रेगुलर स्टाफ के कंपेरिजन में। यहाँ सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक उत्पीड़न भी है हमारे साथ। 26 दिन में अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? हम तो एक्सट्रीम तक जाएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। दिवाली काली दिवाली के हमने बारे में हमने बताया कि इस बार हम काली दिवाली मना रहे हैं, किस प्रकार मनाएंगे हम देखेंगे, ठीक है ना। और भूख हड़ताल भी हम करेंगे और उससे आगे भी हमें जाना पड़ा तो हम जाएंगे। सर जैसे कि अभी 26 दिन से यहाँ बैठे हैं, भूख हड़ताल भी करें, हम काली दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं, तो ये सारा प्रोग्राम कहाँ चलेगा? काली दिवाली आप कहाँ मनाएंगे? यहीं मनाएंगे और कहाँ मनाएंगे? यहीं मनाएंगे, ठीक है।